75 ਤੋਂ 76 ਮਣ ਝਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਲ ਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। DBW 370 ਜਿਸ ਕੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 75.3 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। इसके बाद DBW 371 75 मन पर एकड़, 75 मन पर एकड़, पर एकड़ 370 का, 370 का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी, सब वेरीफाइड है। और DBW 371 है जो उधर लगी हुई है जी, जी। DBW 371 का औसत साइनिंग ज़्यादा है, सब साइनिंग भी ज़्यादा है और ये वैरायटी खाने में भी अच्छी है। उत्पादन भी टाइम ये लेती है 150 दिन और इसकी औसत उपज 1 मीटर 150 दिन सीड टू सीड। हाँ, सीड टू सीड। और रेकमेंडेशन कब करते हैं? अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके 15 नवंबर तक इसकी समय से बिजाई है जी। और इसकी जो औसत उपज है वो 76 मन पर एकड़, 76 मन एक एकड़ में, हाँ, या 76 कुंटल पर हेक्टेयर जी जी। और इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटास की पर्याप्त मात्रा है, जितनी हमारे शरीर को चाहिए उतनी इसके अंदर विद्यमान है जी। इसके बाद एक डी इसमें कोई बीमारी वगैरह पीली, इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ, करनाल बंट, लीफ ब्लाइट एंड अदर जो वैरायटी बीमारियां हैं गेहूं की, वो उनके प्रति ये प्रतिरोधी वैरायटी है। कोई भी बीमारी आज की तारीख में नहीं आती। इसके आगे वाली कड़ी में एक वैरायटी है DBW 372 जिसका 75 मन पर एकड़ के करीब इसकी औसत उपज है। 75 मन पर एकड़, पर एकड़ 372 यूनिवर्सिटी की ओर से बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ओर औसत उपज है। ये जितनी भी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं सभी के यहाँ इनको सभी यूनिवर्सिटियों में लगाया जाता है, उनकी एवरेज आती है जी। वो हम आगे रिकमेंड करते हैं। और इसके बाद कोई नया सीड आ रहा है करनाल का? इसके बाद 370 का 73 जैसे अब जो नए चल रहे हैं 370 71 72 के बाद अगस्त के महीने में हमारी एक वर्कशॉप होगी, मीटिंग होगी जी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के वैज्ञानिक भाग लेंगे, वहाँ पर रिजल्ट डिस्कस होंगे और नई वैरायटी की रिकमेंडेशन। और अब इनका सीड करनाल से मिल रहा है 372 का? हाँ, 370 71 या अदर्स वैरायटी हैं, DBW 222 187 या कुछ जोखी भी वैरायटी हैं हमारे पास ज़्यादा उत्पादन देने वाली, DWRV 137, DWRV 182, DWRV 219। इन वैरायटियों का बीज हमारे पोर्टल पर 15 सितंबर को आप बुक करा सकते हैं। 15 सितंबर को बुक कराने के बाद उसमें पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आधार कार्ड नंबर उसमें फिट करना होता है। एक आधार कार्ड पर 10 किलो बीज हम बुक करा सकते हैं। यदि आपको एक कुंटल बीज की आवश्यकता है तो हम 10 आधार कार्ड से बुक करा के अपना एक कुंटल बीज प्राप्त कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में वो बीज किसानों को दे दिया जाता है और पैसे की पेमेंट ऑनलाइन वहीं पर की जाती है जी। तो आज के हिसाब से अगर हम बेस्ट वैरायटीज बताएं 327 के बाद अगर कुछ लगाना हो तो ये 70 का 73 है। हाँ जी, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क बता सकते हैं, डिफरेंस क्या है? DBW 370 71 72 में वैसे तो समान है, उत्पादन में थोड़ा सा ही फर्क है। DBW 370 का उत्पादन 75 मन पर एकड़ और 71 का है 76 मन पर एकड़ और 72 का 75 मन पर एकड़ जी। ये तीनों वैरायटियों में जो खाने की दृष्टि से है 371 को बढ़िया माना जाता है सबसे, और लॉजिंग की दृष्टि से देखा जाए तो DBW 372 लॉजिंग की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। किसी आंधी तूफान या बारिश के दिनों में ये 372 गिरेगी नहीं, ये गिरेगी नहीं जी। और इनके अंदर एक और खास बात है, ये 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता भी रखती है जी। इनको क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी भी मानते हैं जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जानकारी। थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद।